की तरह से वो लास्ट वोलेटो मैच से यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन सेवन सी भी यहाँ पे बात करें तो इंटर करना पसंद करेंगे इस फाइट में, बहुत ज्यादा ओपन के साथ आगे बढ़ गए। आप इस प्रे को करना क्या चाह रहे थे आई डोंट नो, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की कॉल था, लेकिन उसके बाद ग्रेनेड जो था वो काफी ऑन पॉइंट साबित हुआ। स्प्रे गॉड क्या ग्रेनेड नॉक करेगा, लैंडिंग का ग्रेनेड बाहर करेगा वहां पे अक्षत को। अब कनेक्शन की बात करें कुछ खासा नहीं, लेकिन कुछ डैमेज ढूंढ लेंगे उस ग्रेनेड के साथ, ताकि जब उस वन वन के फाइट में जाए तो बेहतर रहेगा। मैं डीपीएस का क्या काउंट हूँ ना, तो यहाँ पे डीपीएस ला रहे और क्लोज रेंज में काफी टेडली गन मारा जाता है, वो यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे थे कि एग्जैक्टली सविता वहां पे चला रहे हैं, हेक्टर को वहां पे नॉक कर दिया, लेकिन आखिरकार सारंग इकलौते रहेंगे। ओमेगा ऑलरेडी अपना पोजीशन होल्ड कर चुके, ज्यादा आगे जाना सोल गॉब्लिन के लिए मुश्किल साबित होगा। रैंडम स्प्रे दिया गया, सारंग गेट्स हिम डाउन। हेक्टर की एचपी बहुत ज्यादा कम है, बट मानिया यहाँ पे ऑन दी हैंड विक्सी को डाउन करेगा। ओमेगा है नेज की कोशिश रहेगी, रिवाइवल तो कंप्लीट हो जाएगा, बट क्या यहाँ से बच के जा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे स्प्रे गॉड चलांग जरूर मारेंगे, डैमेज देने की कोशिश। हेक्टर की एचपी कम जरूर हुई है, बट प्री पास के अंदर वो आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ओमेगा की एचपी बेशक बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, प्री पास के अंदर देखना पड़ेगा। दोनों प्लेयर्स कॉर्नर्ड हो चुके, थोड़े बहुत प्री पास के अंदर आएंगे, स्प्रे गॉड को हेक्टर डाउन करेंगे, उसी के साथ साथ सेवन सी इस मैच से हो जाएंगे बाहर। टीम सोल पांच फिनिशेस के साथ।